स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएसए न्यूज यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं शोएब अहमर। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार यानी 22 जुलाई को मीडिया को संबोधित किया। इस संबोधन में मोदी ने ऐसा बयान दिया जो एक प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया, देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया, ढाई घंटे मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की। लोकतांत्रिक परंपराओं में ऐसे आचरण का कोई स्थान नहीं हो सकता, इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। क्या आप लोगों को नहीं लगता मोदी का ये बयान एक प्रधानमंत्री की लाचारगी का सबूत है? ये बयान सुनकर लगता है कि मजबूत विपक्ष के सामने मोदी लाचार है, जबकि लाचार तो विपक्ष है। क्या संसद में स्पीच देते हुए मोदी जी का माइक कभी बंद किया गया, जिस तरीके से राहुल गांधी का बंद कर दिया गया था पिछले दो बार? क्या संसद में स्पीच देते वक्त मोदी के ऊपर से कैमरा स्पीकर की तरफ रखा गया था, जैसे राहुल गांधी के साथ होता है? आपको याद दिला दूं, पिछले बार राहुल गांधी संसद में स्पीच दे रहे थे, उनके ऊपर से कैमरा हटा दिया गया था, स्पीकर ओम बिरला की तरफ कर दिया गया था, राहुल गांधी का माइक भी बंद कर दिया गया था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। फिर आप किस वजह से ऐसा कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का गला घोटा गया? ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, एक पावर होता है, जो इस बयान के बाद आपने बता दिया कि आप विपक्ष के सामने कितने मजबूर हैं। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के पवन खेड़ा, जो पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा, खेड़ा ने एक बयान में कहा, जिस व्यक्ति ने 10 साल तक देश का गला घोटा और आवाज दबाई, वह आज प्रतिपक्ष के आवाज उठाने पर रुदन करता हुआ बेहद कमजोर दिख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिपक्ष पर अशोभनीय टिप्पणी के साथ आज मानसून सत्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री का ढाई घंटे तक गला घोटा, उन्होंने दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 10 साल के उनके अन्याय काल में पूरे देश का दम घोटा गया, जिसकी सजा जनता ने उन्हें दे दी। प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं कि वो बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री नहीं, दो दलों के सहयोग से चलने वाली राजग सरकार के एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के सामने आने के बाद पूरा विपक्ष मोदी की आलोचना कर रहा है। साथ ही इस बयान से ऐसा लग रहा है कि मोदी विपक्ष के सामने बेहद कमजोर है। किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद कोई आम पद नहीं है। दोस्तों आप सभी की इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को भी दबाएं। आज की इस खबर में बस इतना ही।